95 लाख रुपए का आज मुआवजा उन तक पहुंचा है। किसान हित की सरकार है और किसान के अगर फसल का कोई खराबा होता है, सरकार उसको तुरंत तत्परता से काम करते हुए उस तक मुआवजा पहुंचाने का काम करती है और ध्यान भी रखती है कि कहीं पर किसी प्रकार की अगर किसान की फसल के ऊपर प्राकृतिक आपदा आती है, उस प्राकृतिक आपदा के कारण उसको नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई के लिए सरकार समय समय के ऊपर एक पोर्टल के माध्यम से उनका रजिस्ट्रेशन करके उन तक मुआवजा पहुंचाने का काम करती है। और उसी कड़ी के अंदर आज 2023 जो खरीफ की फसल है उसके खराबे का, जो नरमा की फसल है, कॉटन की फसल, उसके खराबे का, चाहे वो गुलाबी सुंडी से हुआ है या अन्य कोई प्राकृतिक उसके ऊपर आपदा आई है, उसके कारण से जो उसका खराबा हुआ था लगभग आज 87 करोड़ 95 लाख रुपए का आज मुआवजा उन तक पहुंचा है। और क्योंकि सरकार लगातार ये पोर्टल जिसके ऊपर अगर किसान की फसल खराब होती है वो अभी भी खुला है, हम परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना भी करते हैं कि हमारे जो किसान हैं वो कुशल रहें, किसी प्रकार की उनके ऊपर प्राकृतिक आपदा ना आए, और अगर कोई इस प्रकार की दिक्कत परेशानी आती है तो सरकार पूर्ण रूप से किसान के साथ खड़ी है ताकि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और जो ये मुआवजा 2023 का था आज उसको हमने रिलीज किया है, लगभग ये 87 करोड़ 95 लाख रुपए की अमाउंट का ये मुआवजा आज जारी हुआ है। जो हमारी दीनदयाल उपाध्याय योजना है, अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना, उसके माध्यम से भी क्योंकि 2884 जो लाभपात्र थे उनको कहीं ना कहीं कोई बीमारी के कारण या कोई दिक्कत हो आती है शारीरिक रूप से, ऐसे पात्र लोगों को मुआवजा आज भी वो जारी किया है। ऐसे 2884 लाभपात्र हैं जिनके खाते के अंदर राशि वो आज जारी की है ताकि उन तक वो राशि पहुंचे और उनको उस योजना के माध्यम से कोई दुर्घटना बीमा है उसका लाभ मिले, ये सरकार की योजनाएं हैं। आज उसको भी हमने पैसे को रिलीज किया है, उसको जारी किया है। और इसके अंदर जैसा मैंने बताया है कि जो लाभपात्र व्यक्ति हैं, सरकार ने जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को जो 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक है उनको 1 लाख रुपए, और जो 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक है उनको 2 लाख रुपए, और जो 18 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष तक है उनको 5 लाख रुपए, और जो 3 लाख रुपए जो 25 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष तक है उनको 5 लाख रुपए, और 45 वर्ष से 60 वर्ष तक उनको 3 लाख रुपए की सहायता ये इस योजना के माध्यम से, दयालु योजना के माध्यम से उन तक दी जाती है। और एक आज पोर्टल और लॉन्च किया है कि जो बहुत ही कैंसर या अन्य दुर्लभ बीमारियां हैं उसके अंदर एक लिस्ट है पूरी की पूरी, ऐसे जो पीड़ित व्यक्ति हैं, किसी को कोई बीमारी जो हो जाती है उनको उस पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करेंगे और उनको जिस प्रकार से बुढ़ापा पेंशन सम्मान भत्ता दिया जाता है 3,000 रुपए, उस तरीके के उनको ये पेंशन लग करके उनको लाभ पहुंचाने का काम भी ये आज इस पोर्टल के माध्यम से होगा। जो अगर कोई रजिस्ट्रेशन करेगा इस प्रकार का, क्योंकि उसको डॉक्टर वेरीफाई करते हैं, एक टीम बनी हुई है कि इसको कोई कैंसर या कन्या कोई डिजीज जो बीमारी है जिसके कारण वो पीड़ित है और इलाज कराने के अंदर उसको दिक्कत आती है, ऐसे लोगों को ये पेंशन की उसके माध्यम से सुविधा है। आज उस पोर्टल को